स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे धनिया, जल्दी से शरबत ले जा वहाँ पर। हाँ भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? अरे नहीं, सब हो गया। बाकी सारी औरतें चली गई क्या? कितने लोग रह गए वहाँ पर? बस अब हमारी फैमिलीज रह गई हैं, शंकरी ताई हैं और हाँ कुंवर साहब भी है। तो कितने लोग हुए? 1, 2, 3, 4। भाभी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। वैसे भाभी आपको क्या लगता है, अभी जो नैतिक दादा और अक्षरा भाभी में फाइट हुई थी? तुम अक्षरा को भाभी क्यों कहती हो? अभी तक वो तुम्हारी भाभी हुई नहीं है। तो क्या हुआ, बन जाएगी? मेरा दिल तो यही कहता है। वैसे आपका दिल क्या कहता है? अच्छा भाभी एक बात बताइए, हमारी अक्षरा भाभी है कैसे? आप तो ने बचपन से जानती है ना। ये पानी देख रही हो ना, बिल्कुल ऐसी है हमारी अक्षरा, एकदम सिंपल, एकदम भोली। भावनाओं में बह जाती है, किसी भी रंग में रंगो, किसी भी सांचे में ढालो, ढल जाती है, बिल्कुल ऐसी ही बन जाती है। चलो अच्छा है, वरना नैतिक दादा से बनती कैसे उनकी? इतना आसान नहीं है हमारे नैतिक दादा से निभाना, काफी टेढ़े हैं, पर है बहुत क्यूट। अरे ये तो हमारे मुन्ना बाबू हैं। कैसे हैं मुन्ना बाबू? नैतिक कुमार साहब, नैतिक। हाँ हाँ नैतिक बाबू। भाभी माँ और छोटी दुल्हन को लेवा लाने आए हैं क्या? चलिए माँ चलते हैं, देर हो रही है। लेकिन बेटा अभी कुछ देर पहले तो आए हैं, अक्षरा से बात हुई तेरी? वो सब छोड़िए माँ, मुझे जाना है। बेटा अभी तक हमने सारी साड़ियां भी नहीं देखी, भाभी माँ ने नंदिनी के लिए भी कुछ नहीं लिया है। ठीक है तो मैं चले जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था, ड्राइवर से कह दूंगा वो आप लोगों को बाद में ले आए। नहीं छोटी दुल्हन, अब हम चलते हैं। साड़ियों का क्या, वो तो कुंवर सा घर आके दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी दुल्हन हवा के घोड़े पे सवार होके आई थी के? मने तो लगा था कुछ देर रुकेंगे, अब खाना खा के उठेंगे। जी वर्षा ने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है, अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कभी। राश्री बहन आज देर हो रही, आज्ञा दीजिए। माँ जी जीते रहो, सुखी रहो, चलें बेटा। लो वो लोग फिर से अचानक उठ कर चले गए। माँ मैंने कितना समझाया अक्षरा को, माफी मांग ली। लेकिन तूने उससे माफी तो मांगी ना, फिर क्या हुआ, इस तरह नाराज होकर क्यों चला गया वो? मुझे तो लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं तूने फिर उससे झगड़ा तो नहीं कर लिया किसी बात को लेकर? बता ना कुछ कहा क्या तूने उसे? हे भगवान मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जो भी तुझे सिखाया जितना भी समझाया सब बेकार है, तुम्हारी माँ की बात तुम्हारी समझ में कभी आई ही नहीं। भगवान पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे होंगे वो लोग तुम्हारे बारे में। अक्षरा बेटा एक बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं, कि तुम लड़की हो और लड़कियों को कितनी बार दूसरों की भावनाओं, दूसरों की मर्जी के सामने झुकना पड़ता है, सबके साथ बनाकर रखनी पड़ती है। आज तो अपनों के बीच में हो, कल ससुराल जाओगी तो माँ की सारी बातें समझ में आएंगी तुम्हें। सुन रही है या नहीं?
की बातों को मन से मत लगा। तू तो जानती है ना, जितनी जल्दी उनका गुस्सा पड़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। वो तो बस इसलिए परेशान थी कि कहीं लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया वर्षा। मैंने तो उससे माफी भी मांग ली थी लेकिन फिर उसने मुझसे इतनी रूडली बात की। इतनी अकड़ के साथ खड़ा था ना वो कि जाकर भी मैं समझती हूँ अक्षरा, और शायद मैं तेरी जगह होती ना तो ऐसा ही सोचती। सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं, हमें लड़कों की जिद, उनकी मर्जी, उनकी अकड़ के आके झुकना पड़ेगा। देख बड़े इसे सही समझते हैं या गलत, लेकिन अगर मेरी नजरों से देखे ना तो तूने जो किया बिल्कुल सही किया। अब चाहे सही हो या गलत, जो होना था हो चुका। लगता है पहली बार मेरे दोस्त कोई मिला है जो उसे बराबर की टक्कर दे सकता है। जोड़ी खूब जमेगी, एकदम नहले पे दहला है। तू मेरी बात सुन नहीं रहा है या इस बारे में सुनना चाहता नहीं? किस बारे में? अरे अक्षरा के बारे में यार। और कौन है जो तुझे बराबर की टक्कर दे सकता है? बाकी सभी तो तेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, फिर चाहे वो भाभी माँ हो या माँ हो या तेरी वो चुटकी रश्मि। घर की सारी औरतें इसी धुन में रहती हैं कि बस नैतिक को खुश रखे। हाँ, आज तक किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया तुझे। वैसे तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि तेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए भड़क गया तू उसके ऊपर। कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब कुछ भी बोलता जाएगा तू। ऑफकोर्स मैं उसे हरा देता, लेकिन वो इतनी जिद्दी है, हार मानने को तैयार ही नहीं थी। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि कैटरीना ऐश्वर्या से ज्यादा सुंदर है, सबको पता है। इसमें बहस करने वाली क्या बात है? पर उसे तो जैसे मजा आ रहा हो बहस करने में। देख कैटरीना और ऐश्वर्या, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि नैतिक साहब की कोई बात काट दे ये उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और वो भी एक लड़की, इतनी जरूरत उसकी। जस्ट शट अप यार। तो फिर मुझे नहीं लगता कि नैतिक सिंघानिया ऐसी लड़की से शादी करेंगे। I'm sure, अब तक आपका मेली को आपको 150 बार तो ललकार ही चुका होगा कि नैतिक फौरन ना कर दे, ऐसी गुस्ताख लड़की से बिल्कुल शादी मत करना। कितना बोलता है तू, तेरी वजह से मैं गेम हार गया। गेम तो तू हार ही गया नैतिक। ओके माँ, मुझे पता है क्या लग रहा है, हमने शौर्य के बाबूजी से इतनी बड़ी बात छुपाई, अक्षरा और नैतिक को मिलवाया लेकिन शायद उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों सोच रही हो बड़ी बहू? ऐसा भी तो हो सकता है कि जोड़ी जुड़ जाए, आखिर कुछ तो ऊपर वाले की भी मर्जी होती है ना। नहीं माँ, मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। दो बार बच्चे मिले और दोनों बार उनके बीच में झगड़ा हुआ, वो तो हमारी अक्षरा को शायद। दीदी लीजिए, वो लोग आ गए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी आज मंदिर में तो बहुत भीड़ थी ना, और इसे देखो पूरा दिन से खेल रहा था। अच्छा लगा लेकिन। आ गए आप लोग, और कैसा रहा सब कुछ? बहुत अच्छा माँ। तुम लोग कहाँ कहाँ घूम के आए? अरे इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, दिन पर इधर उधर दौड़ रहा था, थक गया, नींद आ रही। एक काम करो इसे सुला दो सुनैना। अरे लेकिन महाशय ने अब तक खाना ही नहीं खाया। मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है। हाय रे मेरा बच्चा। सुनैना जा इसे सुला दे। जी माँ। आओ और बहू थोड़ा कुछ खिला दे। जी माँ। लेकिन माँ
आपका आइडिया बहुत अच्छा था। आज बहुत घूमे हम लोग, आपके राधा रमन जी के मंदिर भी गए थे, आपके लिए प्रसाद भी लाए। छोरे? हाँ दादी, ये आपके लिए प्रसाद। अरे वाह। बात क्या शौर्य की माँ, बहुत खोई खोई सी और उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? हमें तो लगा था हमें भेज के आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे, खूब साड़ियां चूड़ियां खरीदेंगे, हा? लेकिन मुझे लगता है आप दादा को बहुत मिस कर रही थी भाभी। नहीं, कोई बात तो जरूर है, आपका चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा है। जी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं विशंभर, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बहू थक गई है। जी क्या तुम कहना चाहती हो कि अक्षरा की नैतिक से बहस हो गई, और वो भी इसलिए कि कैटरीना ज्यादा सुंदर है या ऐश्वर्या? ये भी कोई वजह हुई भला? कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए। बात सिर्फ ये नहीं है शौर्य, मुद्दा कैटरीना या ऐश्वर्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नैतिक अपनी बात मनवाने के लिए अड़ गया उससे तो ये लगता है ना कि क्या लगता है हा? अब उसे लगता होगा कि उसकी बात सही है तो वो तो अड़ेगा ही ना, और फिर इसमें गलत क्या है? और फिर अपनी बात पे टिके रहने का हक है उसे। और अक्षरा, उसे नहीं है ये हक कि वो अपनी बात पर टिकी रहे? Come on वर्षा, कैसी बातें कर रही हो? अक्षरा लड़की है, उसे समझना होगा कि लड़कों की एक ईगो होती है, उन्हें अपनी बात मनवाना अच्छा लगता है, और फिर वो अगर नैतिक की बात काटेगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। और अक्षरा, मतलब लड़कियों की कोई ईगो नहीं होती है? वर्षा, अगर लड़कियां भी ईगो रखेंगी तो इससे घर में झगड़ा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब लड़के अपनी बात मनवाते रहें और लड़कियां सर झुकाकर सुनती रहें सिर्फ इसलिए कि घर में झगड़े ना हो? अरे वर्षा, तुम बेकार में बहस कर रही हो। ये बेकार की बहस है? अरे तुम अपने आप को ही ले लो, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होके समझ नहीं रही हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमेशा ये कोशिश मुझे ही क्यों करनी पड़ती है? देखो वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बात बात में यूं ही इमोशनल हो जाती हो। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी, अगर पसंद नहीं थी तो पहले ही कह देते। अरे मुझे पहले पता कहा था, अगर मुझे पहले पता होता कि शादी के बाद ये ऐसी बहस होगी, बात बात पे झगड़े होंगे, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। वर्षा रे, पता चल गया तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितना मान देते हो तुम मुझे। अरे सच कह दिया तो चुप गया क्या? कितनी आसानी से कह दिया कि चाहते नहीं हो। अरे अगर चाहता नहीं होता तो तुमसे शादी करता मैं। सच, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। और वो बंदर अंशु की टोपी ले गया। आप जानते हैं शौर्य की माँ, आज अंशुमन ने बहुत हंसाया हम लोगों को। बहुत शरारती हो गया। ओमी, बच्चा है अभी, उम्र ही ऐसी है, अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा, है ना शौर्य की माँ? जी। अगली बार हम सब चलेंगे, हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है बाजार में। अक्षरा को चाइनीज बहुत अच्छा लगता है ना अक्षरा? जी। बड़ी माँ, हुकुम सरकार के लिए फोन है, वो हरी मुनि मैया, हाँ कोई सिंघानिया करके बतावे हैं। सिंघानिया, ये वो है ना दादा जो अक्षरा को देखने आए थे, नैतिक के घर वाले?
आप बैठिए, हम देखते हैं। जरूर यही कहने के लिए फोन आया होगा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये भगवान, छोटी, कहीं वो लोग शौर्य के बाबूजी को आज के बारे में ना बता दें। अगर इनको पता लग गया कि हमने इनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, पता नहीं क्या होगा। मैं भी देख के आती हूँ। जी जी ठीक है, जरूर जी। अच्छा, नमस्कार। उन्होंने अक्षरा के लिए हाँ कह दी है। मुबारक हो मां। शौर्य की मां, आपको भी मुबारक हो। आपकी बेटी की शादी पक्की हो गई। बधाई हो मुन्ना राजा, बधाई हो। बेटा खुश रहे। भाभी मां बधाई हो। छोटी दुल्हन बधाई हो। बेटा दादाजी और भाभी मां से आशीर्वाद लो। जीता रहे, जीता, सुखी रहे, खुश रहो मुन्ना। अब तो थारा लगन भी तय हो गया, अब तो धंधे पे लग जा। भाई मने तो छोरी वाई दिन बसन आ गई थी, ये तो थारो छोरे ही है जो इतना समय लगा दियो, वरना बात कभी की पक्की हो जाती। पना, अभी कल का हिसाब किताब देख ले बे। जी। खुश रहो। मेरा मुन्ना बेटा दूल्हा राजा बनेगा। चलो छोटी दुल्हन, राधा रमन जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। जी, तेरे बेटे का लगन पक्का हो गया। चल रश्मि, चल। मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही है, तूने हाँ क्यों कर दी? क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। तूने ही तो कहा था ना कि वो मुझे बराबर की टक्कर दे सकती है। देले पे देला है, एक बार उसे बीवी बन के तो आने दे, फिर देखते हैं कौन नहला और कौन देला। व्हाट, तूने इसलिए हाँ की है? हाँ? एक वजह और भी है। क्या? सब कुछ अभी पूछ लेगा, उससे सस्पेंस बचा के रख मेरे यार। अरे नैतिक सुन तो। वर्षा प्लीज मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है अक्षरा? चल ना वर्षा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज प्लीज यहाँ पर बैठ। क्यों, क्या हुआ, किस लिए कंफ्यूज्ड है तू? मुझे समझ नहीं आ रहा वर्षा कि उसने हाँ कैसे कर दी। मेरा मतलब उस दिन तो हमारे बीच में ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया था,
फिर भी क्या? हाँ की है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है? तुझे क्या लगता है वर्षा? मुझे लगता है तुझ पे फिदा हो गया है वो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।